आई नो कि तुम बार बार कॉर्नर में आके अकेले क्यों खड़ी हो जाती हो, ताकि मैं आऊं तुमसे बात करूं, राइट? वैसे तुम कुछ फैमिली के बारे में कह रही थी ना, मेरी फैमिली, मेरी पार्टी। यहाँ आकर तो लग रहा है कि तुम्हें छोड़कर बाकी सब लोग मुझे ऑलरेडी अपनी फैमिली मानते हैं। निशा, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही? मिशु ब्रो, क्या हुआ? नहीं, वो इतने सारे लोग हैं ना, तो बस पसीना निकल गया। ए, तुझसे कहा था ना कि ये केक पहले सुकू खाएगा और फिर कोई और। मिशु दी, मुझे नहीं लगता क्या सुकू भैया ये केक को टच भी करेंगे। देखो वो कितना बिजी है। मैं खा लेता हूँ। वाव, ताऊ जी देखो ना कैसी है, अच्छी है ना? कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। पापा ये देखो कितनी अच्छी घड़ी है। बहुत अच्छी है। वैसे हम भी तेरे लिए कुछ रितेश, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट कभी किसी ने नहीं दिया। यही असली रितेश, मुझे कोई पसंद आ जाता है ना, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं किसी को पसंद ना आया। You deserve it, bro. Thanks. Can I try it? Sure. एक सेकंड। देखो कितना खुश दिख रहा है। खुश तो लग रहा है। इतनी दिनों बहुत खुश देख रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो हमारे साथ ना सही, औरों के साथ खुश तो है ना वो। आप टेंशन मत लीजिए माँ, सुकू ने अपनी माल पोए नहीं खाया तो क्या हो गया, मैं और पापा खा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, पहले सुकू। एक तो खाने दो माँ, प्लीज। एक प्लीज, पहले सुकू। लक्ष्मी को देखो बेचारे को, अपने बेटे की बर्थडे की कितनी खुशी थी उसको। यहाँ देखो बेटा बैठा है उसका, उसे तो परवाह भी नहीं है। और निशो, रितेश के आने से 5 मिनट पहले ही उसके मुंह पे 12 बज गए हैं। देखते हैं ना सुके तो किसका केक कट करता है, रितेश वाला या निशा वाला। रूपन, एक तो अपने इतने परेशान है और तुझे मजा आ रहा है। अपनों की बात ना आप तो करो ही मत थी, आपको भी तो अपनों का साथ देना चाहिए ना। अरे तुम, मैंने किसका साथ नहीं दिया? मेरा। सबको यही लग रहा है कि रितेश का रिश्ता निशो के साथ ही हो सकता है। मेरी बेटी कीर्ति के बारे में सोचा किसी ने भी नहीं, आपने भी नहीं सोचा। अब रितेश को निशु पसंद है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है। और जहां तक कीर्ति की बात है, उसको तो बहुत से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। वो तो है दीदी। हाँ ये देखो, रितेश और कीर्ति की है, इससे दीदी इससे कहते हैं जोड़ी। देखा प्लीज। हाँ। आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ती है। यहाँ पे सबको पता है कि रितेश निशा को लाइक करता है, उसके बाद भी मेरा रिश्ता उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इट्स सो एम्बैरेसिंग। इसमें एम्बैरेसमेंट की क्या बात है, जो है वो है।
मम्मी मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है उसका फैसला मैं करूँगी, और इस वक्त ये गलत है तो आप रितेश की बात छोड़ दो। और वैसे भी मुझे पता है कि मेरी लाइफ में ना इससे बेटर लड़का आएगा। आप आंटी जी, हाँ, केक कटिंग का टाइम हो गया है, चले? जी चलो दीदी। अब तुम जाओ, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है। अरे चलो ना कीर्ति। तुम जाओ, मैं आती। चलिए अंकल, चलो बच्चों केक काटते हैं। भैया भाभी आइए, सब लोग आइए। ओह स्वीट आंटी, मालपुए। बचपन में मेरी मॉम भी ऐसे ही मालपुए बनाती थी, फिर मैं 20 साल का हो गया और फिर मुझे समझ में आया कि मॉम के मेलोड्रामेटिक प्यार की वजह से मेरी बॉडी का कितना नुकसान हो रहा है। इतना सारा घी, आई एम श्योर कोई मॉम नहीं चाहेगी कि उसका बेटा इतना मोटा हो। मोटापे की प्रॉब्लम अमेरिका के बच्चों को होगी, लेकिन यहाँ की माएं अपने बच्चों को जितना खिलाती है ना उतनी ही मेहनत करवाती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना कभी बुरा नहीं हो सकता, पता है क्यों? क्योंकि माँ अपने हाथों से नहीं अपने दिल से खाना बनाती है। पर खैर छोड़ो, तुम कहाँ समझोगे? ओ कम ऑन निशा, थोड़े टाइम के लिए अपने ईगो को साइड में रख दो। सुक्कू दोनों केक भी काट लेगा और ये मालपुआ भी खा लेगा। सुक्कू कौन सा केक काटेगा और उसे कौन सी गिफ्ट पसंद है वो तुम उसे डिसाइड करने दो। वो क्या है ना, हमारे घर पर गलती करने की पूरी छूट दी गई। What do you mean गलती? Obviously मेरा केक बेटर है। Of course रितेश, तुम्हारा केक तो बेस्ट है और गलती तुम। अब देखना ये है कि तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम कितनी बड़ी गलती साबित होते हो। कम ऑन गाइस, सुकू के बर्थडे के लिए बस 5 मिनट बचे। मेरा ही केक काटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। थैंक्स फॉर ऑडियो। भाई वाह रितेश, क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की है तुमने। भाई रमेश, कहना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में ऐसी पार्टी आज तक तो नहीं हुई है। रितेश बेटे, जान डाल दी तुमने पार्टी में। अरे भाई साहब, आपको सुबह निकलना भी है ना दिल्ली के लिए। अरे हाँ भाई मोहन। अच्छा भाई रमेश। जी भैया। पार्टी वार्टी अब हो गई, थोड़ा काम भी हो जाए, मेरे रूम में आ जाओ और वो ज्वेलरी के सेट्स हैं उन्हें पैक करने में थोड़ी हेल्प कर दो। जी भैया चलो। ओके भाई, तुम लोग एंजॉय करो। सुकू, हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। थैंक यू। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स अ लॉट। सुनना, मॉम कब से तेरा वेट कर रही है, जाके मिला। 2 मिनट में निशु, 2 मिनट। सुकू। अच्छा ठीक है। सुकू, हाँ, लेट्स पार्टी गाइस, म्यूजिक। वो आएगा, उसे मेरे हाथ के मालपुए बहुत पसंद है, अभी तक देखा नहीं होगा उसने। फिरंगी ने सारी पार्टी खराब कर दी है, इसका कुछ करना पड़ेगा निशु।
अभी नहीं, मेरी भाई की खुशी इस एनआरआई की बेइज्जती से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बच्चों को एंजॉय करने दो, वैसे ही मुझे वीरेंद्र भाई साहब से जाकर मिलना है। अंकल जी, आपको केक अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की। थैंक यू। लेकिन ये जो तुम हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो ना, अच्छा नहीं। मेरा केक कब काटेगा? निशु 2 मिनट में काटता हूँ ना, अभी सबके साथ डांस कर लूँ। अरे निशु रुकना। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।